बिहार से है, जहां दरियावर्ती क्षेत्र में बाढ़ से बांध बधा क्षतिग्रस्त। बाढ़ का पानी घुसने से दरियावर्ती क्षेत्रों में लोगों में बड़ी परेशानी। मामला बिहार यूपी सीमा पर स्थित पिपरासी प्रखंड के सेमरा लबेदाह श्रीपत नगर का है, जहां लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसकर नई मुसीबत ला दिया है। बताया जा रहा है कि इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से बीती रात 3.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ और कटाव जैसे हालत निचले इलाकों में पैदा हो गए हैं। लोग मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत पिपरासी प्रखंड के सेमरा लबेदाह श्रीपत नगर भैसहिया में 20 जनवरी 2007 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने इस रूट पर रेल लाइन का शिलान्यास कर आधारशिला रखा था, जिसके बाद विगत वर्ष पिपरासी अंचल कार्यालय ने रेल लाइन के लिए अधिकृत जमीन पर पट्टाधारी दर्जनों बाढ़ पीड़ितों को बासगीत पर्चा देकर बसने की सलाह दिया था। पिछले एक दशक से इसी बांध पर बाढ़ पीड़ितों ने अपना आशियाना बना लिया है। अब बाढ़ की त्रासदी से झेल रहे इन भूमिहीन बाढ़ पीड़ितों को कटाव की मार झेलनी पड़ रही है। इसकी चिंता से लोग परेशान हैं और शासन और प्रशासन को कोस रहे हैं। बाबा क्या मामला बा, काहे पानी आ गेलो पूरा घर में? अरे रेलवे का गोरत तो गोरत न कोनो सरकार सुनवाई कोई लो से आ 3 साल से यही में हमनी तबाह बन जा। अन पानी सब दहिए गई आ ए बेर प्लास्टिक तानी को ऊंचा बानी जा इहो कोटी रहल बा। ती रेलवे के बांध में कैसे रुआ बनी? सरकार के बसौले से ए बेर पानी घर में डूब गेल बा, सब डूबल बा, अन पानी सब दह गई। अब बाल बच्चा लेकर कौन तरह जाए नीचे बांधे पर इहो कटल शुरू हो गई बा। तो सर आपको यहाँ से हटाने के लिए आवेदन नहीं दिए हैं? बहुत सब सीओ कलाक वीडियो कलाक कर्मचारी अमीन सारा लोग देख के सब केहू भाग पर आई आज ले देते वालों जमीन हम नीचे ना दिहल राव। नाम का हो? ग्राम अध्यादो ग्राम श्रीपत नगर।